हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ आपकी और ट्रिक्स के बारे में जानेंगे सामान्य ज्ञान की, जिनकी हेल्प से आप अपने सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। इससे पहले आपको दोस्तों बता दें, यहाँ पर आपकी डेली सुबह 7 बजे जीके वाली क्लास अपलोड होती है। इसके बाद यहाँ पर सुबह 10:30 बजे आपकी लाइव क्लास होती है, ठीक है। दोपहर 2 बजे आपको कला या साइंस पर के दोनों क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। शाम को 5:30 बजे आपकी लाइव क्लास होती है। इसके साथ ही टेलीग्राम पर सुबह 10 बजे शाम को 7 बजे यहाँ पर आपका क्विज के माध्यम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है। सुबह आपका 8 बजे कम्युनिटी टैब पर भी एक क्वेश्चन अपडेट होता है। आप सारे क्वेश्चन को सारी क्लासेस को लगातार देखते रहिएगा, ठीक है। काफी सारी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्लासेस आपकी हो रही हैं आपके बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए, तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। और सारी क्लासेस को लगातार आप अटेंड करते रहिएगा। चलिए, यहाँ पर हम ट्रिक नंबर 10 की बात करेंगे। 9 ट्रिक्स हमने ऑलरेडी आपकी प्रीवियस 2 वीडियोस में बता चुके हैं, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे देगी। आप 9 ट्रिक्स जो आपकी पहले वाली हैं उनको आप जरूर देखिएगा। सारी ट्रिक्स आपकी इंपॉर्टेंट और सारे क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट है। चलिए, यहाँ पर ट्रिक नंबर आपकी 10 है, आपका प्रमुख बौद्ध संगतियाँ। कई सारे आपके एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछी जाती हैं आपकी प्रमुख बौद्ध संगतियाँ, ठीक है। तो इनके यहाँ पर देख लेते हैं, प्रमुख बौद्ध संगतियाँ आपकी क्या 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 यहाँ पर आपका पूछा जाता है। सबसे पहले यहाँ पर क्या पूछा था कि आपका प्रथम बौद्ध संगति आपकी जो है किस स्थान पर हुई है, या फिर पूछ लिया जाता है कि आपका प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी आपका उस समय उनके अध्यक्ष कौन थे, या फिर आपका उस टाइम किसका शासनकाल था। यहाँ पर 3 चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं बौद्ध संगति को लेकर, या फिर आपका जो है ईसा पूर्व भी यहाँ पर आपका जो पूछ सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो वो भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना दिया गया, 483 ईसा पूर्व, या फिर आपका 383-255। हालांकि ये कम पूछा जाता है, लेकिन आपका स्थान, अध्यक्ष और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है आपका शासनकाल पूछा जाता है कि आपका प्रथम बौद्ध संगति के दौरान किसका शासनकाल था, अजातशत्रु का था। द्वितीय बौद्ध संगति के दौरान किसका शासनकाल था, कालाशोक का था। तृतीय बौद्ध संगति के दौरान किसका शासनकाल था, अशोक का था। चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान किसका शासनकाल था, आपका कनिष्क का यहाँ पर शासनकाल था। तो इन चीज़ों को आप किस तरीके से अच्छे से याद रख सकते हैं, इनका स्थान भी आपको याद रखना होगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको इनसे करीब आपका 20-25 क्वेश्चंस बनते हैं और आपका हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछा जाता है, तो आपको इनको अच्छे से ध्यान रख लेना है। इनकी ट्रिक आपकी क्या बनेगी कि राजा महाराजा आजा, ठीक है, राजा महाराजा आजा, फिर आपका जो है इस टाइप से देखिए, राजा महाराजा और आपका आजा प्रथम बौद्ध संगति हो जाएगी, ठीक है। फिर दूसरी हो जाएगी आपका वैश्या सबका काल है, मतलब कि वैशाली सबका यानी कि सबाकामी, और आपका काल का मतलब काला शोक। फिर आपका है पटाव मत आशिक, मतलब कि आपका पाटलपुत्र मोगली पुत्र, ठीक है। फिर आपका इसके बाद अशोक यहाँ पर हो जाएगा। फिर कुंवर जी कंगाल है, मतलब कि आपका कुंवर यानी कुंडवल जी, ठीक है, जी का मतलब वशुमित्र जी, और कनिष्क का कंगाल का मतलब आपका कनिष्क। तो आप इस तरीके से इसको आसानी से आप याद रख सकते हैं, काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट है ये। आप कई सारे कंप्लीट एग्जाम्स में इन चीज़ों को देखेंगे, तो आप प्लीज़ इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ट्रिक्स को बार बार लिख कर देखिए, बार बार आप दोहराएंगे तभी आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं, एक बार में ट्रिक्स को याद नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका ट्रिक नंबर आपकी 11 है, इसको आप देखेंगे। यहाँ पर जो केंद्र सरकार व राज्य सरकार के द्वारा प्रमुख कर लगाए जाते हैं उनके बारे में बात की गई है। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था आपके कुछ करों के बारे में, तो आप उन ट्रिक्स को भी देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर आपकी ट्रिक्स रहती हैं। तो इसमें आपका क्या पूछा जाता है कि कई बार आपसे पूछा जाता है कि आपका कौन कौन से कर आपके केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, या फिर पूछ लिया जाता है कि आपका कौन कौन से कर आपके राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे आपके कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, चाहे आपका बीएड एंट्रेंस हो, चाहे आपके कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, सभी में यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो इनको आप किस तरीके से याद रख सकते हैं, इसको आपको ध्यान देना है। ऊषा निशा आय उपहार संपत्ति सीमा केंद्र, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका भूषा बिक्री मानो स्टाम्प पत्थर मोबा राज्य सरकार। देखिए, इन ट्रिक्स को आप पहली बार पढ़ेंगे तो थोड़ा आपको अजीब लग सकता है, फिर आपको याद करने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन आप जब बार बार दोहराएंगे तो आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं, या फिर आप अपनी कोई अलग ट्रिक भी बना सकते हैं, ठीक है। आपको अपनी बनाई हुई ट्रिक ज़्यादा दिनों तक याद रहती है, या फिर ज़्यादा याद रहती है, तो आप फोकस करें। अगर आप अपने आप अपनी ट्रिक्स को बना सकते हैं तो और भी बेहतर है, वरना आप इन ट्रिक्स के माध्यम से अच्छे से याद कर सकते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा कौन कौन से कर लगाए जाते हैं, आपका उत्पादन शुल्क, निगम कर, आयकर, उपहार कर, संपत्ति कर, सीमा कर, और आपका केंद्र सरकार के जो भी आपके कर होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका राज्य सरकार के कर आपका भू राजस्व कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, स्टाम्प कर, पथ कर, और आपका मोटर वाहन कर, ठीक है। तो आपको इनको अच्छे से याद कर लेना, ये सारे आपके दोनों ही कर हैं आपका केंद्र सरकार द्वारा और आपका राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले कर यहाँ पर हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए, ट्रिक नंबर यहाँ पर 12 है। देखिए, इसमें से आपका कल एक क्वेश्चन भी आया था सामान्य ज्ञान वाले पार्ट में, इसमें आपका बताया गया कि आपका इन खेलों के परिसर को कोर्ट कहते हैं। जैसे आपका पता है क्रिकेट आपका कहाँ खेला जाता है, आपका फील्ड में खेला जाता है, मतलब कि मैदान में खेला जाता है, ठीक है। उसी तरीके से जो आपके ये वाले खेल हैं, ये आपके कहाँ खेले जाते हैं,
कोर्ट में खेले जाते हैं। तो जब भी आप कभी भी आपसे पूछे कि ये जितने आपके खेल यहाँ पर दिए गए हैं खेल के नाम, जब भी आप इनमें से कोई खेला और पूछा आपका ये वाला खेल कहाँ खेला जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इन खेलों का जो परिसर होता है उसको हम कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। चाहे आपका खेल का नाम क्या हो, स्क्वैश हो, चाहे आपका कबड्डी हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे आपका खो खो हो, नेटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, लॉन टेनिस हो, या फिर आपका हैंडबॉल, ये सभी आपके जो है इनके जो परिसर को वहाँ पर हम कोर्ट कहते हैं। तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। इसकी बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, स्क्वैश कब कब बैड खोने वाला है, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इसको याद रख सकते हैं और आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इससे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं, जो कि लगातार आपके अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। चलिए ट्रिक नंबर यहाँ पर 13, अगर आपको ये सारी ट्रिक्स पसंद आ रही हैं, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, अपने सभी साथी फ्रेंड्स के साथ आप लोग शेयर भी करिएगा, और प्लीज़ अगर आप नए हैं चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे क्रिकेट से संबंधित कप, आपके कौन कौन से आपकी ट्रॉफीज होती हैं क्रिकेट से संबंधित, ठीक है। तो कई बार आपको सिर्फ ट्रॉफी का नाम दे देगा कि आपकी रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो आपको बताना होगा कि रणजी ट्रॉफी आपकी जो है क्रिकेट से संबंधित है। कई सारी ट्रॉफीज होती हैं, तो इसमें से कुछ आपका जो इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है भाई आपका कुछ इस तरीके से है। पहली है आपकी रोहिंटन ट्रॉफी, ठीक है। दूसरी आपका जीडी बिड़ला ट्रॉफी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, भाई आपका रणजी ट्रॉफी पूछी जाती है, ठीक है। फिर आपका ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, ये भी आपका कई बार पूछा जा चुका है। दिलीप ट्रॉफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। फिर झांसी की ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ये वाला क्वेश्चन भी आप कई जगह यहाँ पर देखेंगे, देवधर ट्रॉफी। तो ये सारी आपकी ट्रॉफी किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। इनकी जो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है आपका ये है कि रोजी रईस दिलीप को झांसा धोखा देगी, झांसा या मतलब आप कह सकते हैं धोखा देगी, तो आपका इस तरीके से रोजी, ठीक है, और आपका रईस दिलीप झांसा और यहाँ पर आपका देगी, आप इससे समझ सकते हैं। तो वही बात है कि आप एक बार में ट्रिक्स याद नहीं होंगे, ट्रिक्स को आप बार बार लिख कर देखेंगे, ठीक है, बार बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद होगा। तो आपकी 4 प्रमुख ट्रिक्स के बारे में हमने यहाँ पर बात की, बाकी और ट्रिक्स अपनी नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे। आप लोग इसी तरीके से आप साथ बने रहिएगा, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ध्यान से कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।